दिस इज 96 आवर्स इन सवात। अगर आपके पास सवात जाने के लिए चार दिन हो तो आप क्या करेंगे? वेट, मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा, आई मीन हम क्या करेंगे। हमजा, फाहद, जाहिद और मौजम भी मेरे साथ। सवात जाने के तीन रास्ते हैं, आइदर यू कैन गो बाय बस, बाय एयर और बाय ट्रेन। बाय बस, आई नो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आसान है और आई नो अच्छा खासा कंफर्टेबल है। बाय एयर है वो आप जहाज़ के थ्रू आ सकते हैं, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, फिर आप जहाज़ के थ्रू आ सकते हैं। आई नो ये उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हम तो एडवेंचरस हैं, सो वी चोज बाय ट्रेन। सबसे पहले एक मैप बनाओ, गूगल मैप्स के होने के बावजूद एक अपना मैप बनाओ, ये मैंडेटरी है। पैकिंग करो और फिर निकलो स्टेशन। स्टेशन पहुंचो, 12:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ो। ये ज़रूरी नहीं है, आप सुबह में भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग रात में जा रहे हैं, सो वी टुक 12:30 बजे वाली ट्रेन और फिर उसके बाद पहुंचो रावलपिंडी। इस पूरे टूर में सारे के सारे पैसे बारिश के हैं। फोरकास्ट हमने मिंगोरा की देखी थी, लेकिन आगाज तो पिंडी से ही है। खैर, पिंडी से लोकल पकड़ी और फिर पहुंचे पीर बदाई। सो हम लोग फैजाबाद से अभी यहाँ पे आए हैं पीर बदाई, और अब यहाँ से हमने जाना है सवात मिंगोरा, जो कि 4 घंटे बहुत दूर है। यही हम लोगों की लेटेस्ट अपडेट है अभी तक। सो अब हम लोग सवात की तरफ रवाना होंगे। इट टुक 13 hours टू रीच हेयर। उसकी रीज़न एक ये थी कि हमने तरीका नंबर 3 चूज़ किया था। तरीका नंबर 3 आप कभी भी चूज़ ना करें, आई सजेस्ट। अगर आपके पास बस की और लोकल की ऑप्शन हो तो यू शुड ट्राई बस। अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सवात में आपको बेशुमार होटल्स और बेशुमार खाने पीने वाली चीज़ें मिलेंगी। और वैसे भी इतना लंबा सफ़र करने के बाद हमें ये सर्च करना था कि यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इन अदर वर्ड्स यहाँ की सौगात क्या है। अब हमें वो खाने जाना है। आपके लिए स्पेशल। देखो यार, आगे स्कैम हो गया, 10 मिनट पे था। ये जगह कौन सी है? मिंगोरा। हाँ जी, 10 मिनट के मिंगोरा 2 घंटे में पहुँचे हैं। इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते तो कुछ नहीं कह सकते। पर तो सही चल रहा है, अब आगे की प्लान्स है कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। सो अभी तक बेसिकली डिसाइड नहीं हुआ कि हमने जाना कहाँ पे है। तीन जगह हम लोगों के पास है, फिज़ा घाट, बुटकारा स्टूप, सवात म्यूज़ियम। अभी सफ़र कैसे चल रहा है आपका? बेहतरीन जा रहा है। अगर हम लोग फिज़ा घाट जाते हैं पहले, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर हम सवात म्यूज़ियम पहले जाते हैं? फिज़ा घाट में हमने रात को स्टे करना है, इसलिए फिर वो वापस भी जाएंगे हम 7-8 बजे के। सौगात अल सवात खाने के बाद औकात की बरोकार, हम सवार हैं चिंची में। लेट मी करेक्ट, ये तो रिक्शा है। खैर, हमारा सफ़र सवात म्यूज़ियम की तरफ रवा दवा है, लेकिन फॉर सम रीजंस सवात म्यूज़ियम तो बंद है। अब इतना खर्चा किया यार, पैसे तो पूरे करने ही हैं। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
सो दिस इज़ बेसिकली बुटकारा स्टूपा. ये तकरीबन 1500 ईयर्स ओल्ड बुद्धिज़्म का एक सेक्रेट प्लेस है जहाँ पे वो इबादत किया करते थे. यहाँ पे इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है उनके रूम्स हुआ करते थे और यहाँ पे एक मेन स्टूपा हुआ करता था जिसकी वो इबादत किया करते थे. सो ऊपर से भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आखिर किस दिन काम आऊँगा आपके. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट. सवात में मेहमान हम थे और मेज़बान ये, लेकिन हमारे व्लॉग में मेज़बान हम हैं और मेहमान ये. आपका और रेड टी शर्ट आप? मेरा अयान. अयान आपका? ईमान. और लास्ट में ग्लासेस? ईमान. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Honestly, yaar, ye jagah paise poore karne ka naam hai. अच्छी पिक्स ले सकते हैं आप, वीडियोस बना सकते हैं, दोस्तों के साथ हल्ला गुला कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आपको करने को यहाँ पे मिले, आप यहाँ जाएं तब तो मुझे भी बताएगा. आ नेक्स्ट स्टॉप इज़ फिज़ा कार्ट. मुझे नहीं मालूम इसको फिज़ा गट प्रोनाउंस करते हैं फिज़ा कार्ट, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, हमारे अभी तक के सफ़र में शायद ये वो सबसे पहली जगह थी जिसने हमें सरप्राइज़ किया. अविश के हम यहाँ पर एक से दो घंटे और गुजार सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा पहले आते तो फिज़ागढ़ पार्क में एक लेक भी है. और सबसे मज़े की बात, यहाँ पर बोटिंग सीन्स ऑन है. दिस प्लेस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आपने मौसम को इंजॉय करना, अगर आपने लेक का भी मज़ा लेना है, तो ये परफेक्ट प्लेस. यहाँ पर आपको सबसे मज़े की जो बात मिलती है, द बेस्ट एंड द फेमस होटल बुर्ज अल सवात विच इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेस. सो वो भी आपको, उसका भी नज़ारा यहाँ से बिल्कुल क्लियर मिलता है. सो ये यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की बेस्ट चीज़ है पिज़्ज़ा गार्ड की. यहाँ पर आप लोग ज़रूर आएँ, दिस प्लेस इज़ बेस्ट टू विज़िट. तो बस फिर फिज़ागढ़ में होटल तलाश करें, रूम बुक करें, थकावट को खुदा हाफिज़ बोलें और सबसे इम्पॉर्टेंट नींद पूरी करें, क्योंकि कल एक नए दिन के आगाज़ के साथ हमें और भी बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर करनी है. हाय हाय, ठीक हो?